कि आपका इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है, इस चीज़ पे हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई रिक्रूटमेंट कंपनीज कब निकालेंगी और रिक्रूटमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, रिक्रूटमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इस चार्ट से आप समझ पा रहे हैं, 70% कंपनीज इंटरनल रिक्रूटमेंट कर लेती है और 30% एक्सटर्नल में जाती है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जहाँ पे जॉब वैकेंसी निकाली जाती है, और इंटरनल का मतलब क्या है, जहाँ पे वैकेंसी निकाली नहीं जाती है, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स से काम चला लिया जाता है, ठीक है। यानी मेरे पास मान लो 10 प्रोग्रामर्स है, तो मैं 10 प्रोग्रामर्स को और अच्छी ट्रेनिंग करा तो उनको मैं आगे जॉब बढ़ा दूँ, तो ये क्या होता है, इंटरनल। अब आपको ये ध्यान रखना कि आज के ज़माने में ध्यान रखना, इंटरनल रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा है। आज सरकारी नौकरियाँ क्यों कम निकलती है, आज आप देखते हैं कि आपको कई बार पता नहीं चलता और बैंक्स की फिलिंग हो जा रही है। इसका कारण क्या है, आज अगर आप किसी बैंक पे आपकी हो गई है या किसी आईटी कंपनी में हो गई, मेरे पास बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कई लोग बड़े आराम से बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात आपको क्या कहा जाता है कि बहुत जल्दी आप किसी कंपनी में पहली जगह पर आए। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी के अंदर ही अंदर प्रोग्रेस करने के आजकल जबरदस्त मौके, क्योंकि 70% कंपनी क्या करती है, आप ही को आगे बढ़ाती है। आपने पहले 25,000 के साथ एंट्री किया, 6 महीने के अंदर कंपनी आपको सीधा पहला प्रमोशन ऑफर करेगी, 40,000 सैलरी, आप एक ग्रेड ऊपर जा रहे हो। 6 महीने के अंदर दूसरा भी प्रमोशन मिल गया, 50,000 सैलरी, एक और ऊपर चल गया हो गया। ऐसे करते करते आजकल 3 से 4 साल में आप इतने बड़े ग्रेड में पहुंच जाते हो कि आपकी सैलरी जस्ट 3-4 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। ये मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। जितने भी बंदे आज किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी आईटी कंपनी में, एमएनसी में जा रहे हैं, 4 से 5 साल में उनकी सैलरी देखिएगा, 4 से 5 साल में उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि उनको अंदर ही अंदर क्या दिया जा रहा है, ग्रोथ ही दी जा रही है, ठीक है। और इंटरनल रिक्रूटमेंट के इस युग में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप आज किसी कॉर्पोरेट में अगर चले जाओ तो 5 साल बाद आपके पास नर्सरी हो सकती है, यह संभावना है, क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी आजकल हो गया है। दिक्कत कहाँ पे होती है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है, कंपनी एक नए बंदे को हायर करती है, और जब आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एक नए बंदे हैं और कंपनी अगर आपको हायर करने की बात करती है तो कंपनी को थोड़ा सा क्या होता है, डर लगता है। इसका कारण क्या है, एक तो मैन फोर्स आजकल इतना अच्छा निकल नहीं रहा, कॉलेजों से आप क्या निकल रहा है सबको पता है, बच्चों को अपनी डिग्रीज की नॉलेज ही नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कंपनियाँ करती है, इसको तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपका भी ये रिक्रूटमेंट है, तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आपको ध्यान रखना, आपका जो कंपनी है आपको रिक्रूट करने के समय आपके एचआर टेस्ट लेता है, आपका टेक्निकल इंटरव्यू लेता है, फिर उसके बाद वो 2-3 महीने देखता है कि तुम सह पाओगे कि नहीं कामों को, उसके बाद फिर 6 महीने आपके बाद आपको रेगुलराइज किया जाता है। मतलब 6 महीने का एक लंबा प्रोसेस होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में, जिसमें अच्छे एम्प्लॉय मिलते हैं। और दुख की बात यह है कि 100 में से 20 अच्छे निकलते तो 80 खसरा निकलते हैं, जिनको कंपनी 6 महीने में अलग कर देती है। जब आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आप ध्यान रखना, बेंच प्रोग्रामर्स या बेंच एम्प्लॉयज कहलाते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए, आप में से कई लोग अभी जो है वो अपने में खोए हुए हैं। लास्ट प्लीज, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, क्योंकि आप सबका ये रिक्रूटमेंट आने वाले दिनों में होने वाला है। अब इंटरनल तो छोड़ो, अभी तो ये दूर की बात है, पहले क्या होने वाला है, अभी आप बेंच प्रोग्रामर बनेंगे 6 महीने के लिए, और इन 6 महीने के लिए जो बेंच प्रोग्रामर आप बनेंगे तो इसके लिए ही आपको घसीट के तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आप ध्यान रखना, जब ये बन जाएंगे उसके बाद फिर इंटरनल रिक्रूटमेंट में तो आप ऊपर चली जाएंगे, लेकिन पहले अंदर तो आइए, पहले कंपनी का सदस्य तो बनिए, पहले आप एक मिनिमम सैलरी में किसी कंपनी का लेवल तो अपने को लगवाइए। आपके ऊपर सबसे बड़ा समस्या ये है, ये देखिए, ये एक छोटा सा इसमें दिखाया जा रहा है, मान लीजिए 210 स्टाफ है कंपनी के पास, 1600 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं और 440 नए स्टाफ आए हैं, ठीक है। तो जब 440 न्यू स्टाफ आए तो 440 को अभी 6 महीने से 1 साल लग जाएंगे जमने में, और इनमें से कई लोग बाहर भी हो जाएंगे, ठीक है। ये जो 210 जो स्टाफ है हमारे पास एग्जिस्टेड, ये 210 स्टाफ फैसिलिटी का हमारे इस समय सर्वे सर्वा बने हुए, क्योंकि सारे काम यही देख रहे, और 1600 एप्लीकेशन है, तो अगर ये 440 अगर नहीं कर पाए तो अगले लोगों को यहीं से बुलाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहला काम आपका होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट निकाली, फिर इंटरनल रिक्रूटमेंट में आपको आगे बढ़ के प्रमोशन भी लेना है, ऑफ कर देना।